सब्सक्राइब करें टेकेवी चैनल और बेल की बटन जरूर प्रेस करें मेरे आने वाले सभी नई वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए। हेलो दोस्तों, टाटा डोकोमो बंद करने जा रही है अपनी सर्विस इंडिया से। दोस्तों इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और आप देख रहे हैं टेकेवी और स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो पे। दोस्तों आपको बता दें कि टाटा डोकोमो टाटा की जो वायरलेस सर्विसेज है टाटा टेलीकम्युनिकेशन, ये 21 साल पुरानी सर्विसेज है, अब ये बंद होने जा रही है और इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ऑफिशियली इन्होंने सरेंडर करने के लिए स्पेक्ट्रम सरेंडर करने के लिए नोटिस डाल दी है दोस्तों। लेकिन इसका काफ़ी कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है अभी और ग्राहकों को कुछ नहीं बताया जा रहा, जो भी ये सिम कार्ड्स यूज कर रहे हैं अभी तक इनको कुछ नहीं बताया जा रहा है। आपको कुछ हम इनके स्टैटिक्स बता देते हैं कि जब से रिलायंस जियो ने मार्केट में कदम रखा है तब से काफ़ी गिरावट आई है इनके सब्सक्राइबर्स में और इनको अभी तक 2017 की बात करें तो एक एनालिसिस के दौरान पता चला है कि इनको 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अभी तक। तो दोस्तों ये अब सारे स्पेक्ट्रम जो है सरेंडर करने जा रहे हैं और कुछ ही अगले महीनों में ही ये शायद सर्विसेज पूरी तरह क्लोज हो जाए। अभी तक ग्राहकों के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला, इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि क्या करना चाहिए और उनके सिम कार्ड का क्या होगा। लेकिन रूल के मुताबिक ये होता है कि एक महीने पहले ही सारे इनको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आप किसी जो भी टाटा डोकोमो के सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो किसी और इसमें MNP करवा लें या पोर्ट करवा लें। जहाँ तक बात करें कि इंडिया में टाटा डोकोमो की 19 सिटीज़ में 19 सर्कल चलते थे और इसी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए या नोटिफिकेशन देने के लिए इनको पहल करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी तक जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा हमारे सिम कार्ड्स का, क्या होगा हमारे बैलेंसेस का, तो टाटा डोकोमो का कमेंट है कि अभी तक ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं हुआ है और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि मेरे पास जो टाटा डोकोमो था वो तो मैंने MNP करवा लिया है दूसरे ऑपरेटर से, तो आप भी अगर यूज़ करते हैं टाटा डोकोमो के सिम कार्ड तो आप भी इसे पोर्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये पक्की खबर है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई है और कुछ ही महीनों में ये सर्विसेज बंद होने वाली है। तो दोस्तों आपके जो बैलेंसेस है जो भी है वो यूटिलाइज करके आप दूसरे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले सकते हैं। तो दोस्तों और भी इसके बारे में जैसे ही न्यूज आएगी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन और भी मिलती है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आपके क्या राय हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसी न्यूज़ चल रही है और उनको भी आगाह करें कि वो भी अपने नंबर्स को पोर्ट आउट कर लें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।